पी चौधरी, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी संस्कृति के बारे में, एक ऐसे इतिहास के बारे में, या यूं कहें कि एक ऐसी मोनेस्ट्री के बारे में जिसके बारे में शायद आप जानते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं हेमिस मोनेस्ट्री के बारे में, जो कि लद्दाख में स्थित है। तो अब हम जा रहे हैं मोनेस्ट्री की तरफ, यानी कि जो पौड़ियाँ बनी हुई, जो चीने बने हुए हैं, उसको चढ़कर हम हेमिस मोनेस्ट्री के अंदर पहुंच रहे हैं। चिराजी, ये है हेमिस मोनेस्ट्री के टिकट, और अभी तक जितनी भी मोनेस्ट्री हमने घूमी है, सबसे बेहतर और सबसे अच्छी टिकट लगी मुझे इसकी। गाइस, तो हम फाइनल मोनेस्ट्री के अंदर पहुंच चुके हैं, और हम अगर बात करें मोनेस्ट्री की, तो जैसे आप एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद में यहाँ पर बहुत सारे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इस मोनेस्ट्री आने का विचार आपका बन रहा है, आप घूमना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, मोनेस्ट्री है जो बौद्ध मठ होते हैं, तो लद्दाख की सबसे बड़ी बौद्ध मठ है, यानी कि यह जो मोनेस्ट्री है, और यहाँ की जो इस क्षेत्र की सबसे ही लोकप्रिय ये जो है हेमिस मोनेस्ट्री है। अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो आपको लेह से 45 किलोमीटर आपको ये दक्षिण साइड में आपको मोनेस्ट्री देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करें इस मोनेस्ट्री के बारे में, तो दोस्तों ये 1630 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, और उसके साथ साथ यहाँ पर कई सारे टेम्पल बने हुए हैं मोनेस्ट्री के अंदर। और एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो भारत के जितने भी मठ हैं, उनमें से जो सबसे धनी मठ है, उनमें से एक माना जाता है हेमिस मोनेस्ट्री, ये जो हेमिस मठ है, और उसके साथ साथ ये बहुत पुराना है, और उसके साथ साथ इसमें एक म्यूजियम भी है। म्यूजियम बहुत ज़्यादा बड़ा है, अगर आप आएंगे तो आपको म्यूजियम भी देखने को मिलेगा। म्यूजियम में जो आपको 14th century या मैं कहूँ हजारों साल पुराने जो अस्त्र होते थे, जो उनका कल्चर होता था, ये सारी चीज़ें आपको इस म्यूजियम में देखने को मिलेंगी। उसके साथ साथ भी आके आपको दिखाते हैं कि मोनेस्ट्री में और क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो हम आ गए हैं म्यूजियम के बाहर के पीछे की साइड। ये थी मोनेस्ट्री, और मोनेस्ट्री को हमने विजिट कर लिया है, म्यूजियम घूम लिया है, मंदिर घूम लिए हैं, और यहाँ ऊपर पहाड़ों के ऊपर में एक जो है स्टैचू है, एक मूर्ति है भगवान बौद्ध जी की शायद। तो अब हम जा रहे हैं उधर, यहाँ से आए हैं मोनेस्ट्री घूम कर और पीछे के साइड में, और हमें बताया है मॉन्क्स ने कि आगे जाओगे तो आपको ब्रिज मिलेगा, ब्रिज से होके जाएंगे हम, और हमें जाना है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाना है गुरु।
गाइस तो काफ़ी ऊंचाई पर चल के आए हैं इधर, और मैं हूँ, मेरे साथ है पीछे जीवन है। और अभी तक कोई नहीं मिला हमें यहाँ इस साइड, जो कोई आता हो अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया यहाँ पर। और मैंने भी एक मॉन्क से बात की तो मॉन्क्स ने बताया कि उधर से जो रास्ता है आप जाओगे तो आप जो ऊपर मंदिर है वहाँ तक पहुँच जाओगे। तो हम भी निकल पड़े, कहते हैं ना नया खून निकल लिए, अब पहुंच तो गए हैं और चढ़ रहे हैं, क्योंकि धूप ज़्यादा है और जब धूप ज़्यादा होती है थकावट आती है, और ऑक्सीजन की तो ऑलरेडी लद्दाख में कमी है। अभी हालांकि 3 महीने रहते रहते यहाँ पर जो हैबिट है वो बन गई है, जिसकी वजह से उतनी ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आती, लेकिन फिलहाल दिक्कत तो थोड़ी बहुत आती है। और हम पानी भी अपने साथ लेके नहीं आए हैं और यहाँ पर कुछ है भी नहीं जिस मंदिर के ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो गाइज सफ़र बहुत लिमिटेड रह गया है, और कहते हैं कि जब आस्था होती है और साथ में जुनून होता है तो कदम हमारे अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। जीवन आगे निकल गया और हम पीछे रह गए हैं, तो लेकिन जाएंगे तो जरूर ही ऊपर, आप हमें देख सकते हैं। वास्तव में मत सुंदर प्राकृतिक परिवेश और प्राचीन आध्यात्मिक संस्कृति का समावेश है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। और कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जब 1630 ईस्वी में स्टैंगसंग रस्पा नवांग 1100 द्वारा निर्माण किया गया था, तो हम मंदिर के आसपास पहुंच चुके हैं, जहां तो फाइनल आप देख सकते हैं इतने दूर से चल के जहां पर अभी तक हमें कोई नहीं मिला, फाइनल हम भगवान बौद्ध जी के पास पहुंच चुके हैं। और यहाँ का चारों तरफ का जो नेचर है और जो वेदर है और जो लोकेशन है वो वाकई में बहुत खूबसूरत है, और बौद्ध जी की प्रतिमा इस लोकेशन को और भी ज़्यादा आकर्षक करती है। तो गाइज ये आपको हम बता दें कि ये जो हेमिस मठ भारत के सबसे धनी मठों में इसीलिए आता है क्योंकि यहाँ पर चांदी और पीतल के जो स्तूप बने हुए हैं, उसके अलावा जो यहाँ की जो बौद्ध जी की मूर्ति है जो तांबे की बनी हुई है, जो बहुत ही खूबसूरत आकर्षक का केंद्र है। तो गाइज आप देख सकते हैं ये थी हमारी जो हेमिस मोनेस्टी, और एक मंदिर सा मुझे दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन हमने पूछा तो बोले कि यहाँ पर मॉन्क्स रहते हैं तो वहाँ पर नहीं जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर हम आए थे। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं आने का तो आपको लेह लद्दाख आना होगा, और लेह लद्दाख से फिर आप हेमिस के लिए विजिट कर सकते हैं। इसके लिए आप पेंगोंग साइड आएंगे, दक्षिण की तरफ पेंगोंग रोड पर आएंगे तो आपको सबसे पहले एक विलेज मिलेगा खारू, खारू के बाद में आपको लेह मनाली वाला रोड मिलेगा। मनाली रोड पे जैसे ही आएंगे वहाँ से 4-5 किलोमीटर पे आपको हेमिस मोनेस्ट्री देखने को मिल जाएगी। गाइस हम जा रहे हैं वापस, और जिस रास्ते से आए थे उसके अपोजिट साइड से वापस जा रहे हैं, क्योंकि जिस साइड से आप विजिट कर सकते हैं सही मायने में उसके अपोजिट साइड में ही आप वापस जा सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि आप जो लोकेशन है, जो वेदर है, और जो माउंटेन्स हैं, प्यारे प्यारे जो पहाड़ हैं, ये जो पत्थर देख रहे हैं, स्टोन्स जो बड़े हैं वो कितने सुंदर लग रहे हैं, और ये जो सीढ़ियाँ उतरती हैं। गाइस यहाँ पर ये एक प्लांट्स है छोटे से, और मैंने लद्दाख में काफ़ी ज़्यादा देखे यहाँ पर लेह में,
और यहाँ पर इसमें ये जो आप देख रहे हैं, ये जो फल लगा हुआ है, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे जो अनार, अनार नहीं होता, जो अनार जब स्टार्टिंग में उसकी कलियाँ निकलती हैं तो इसी तरीके से हैं, होती हैं, तो ऐसे ही लगता है। ये बहुत प्यारा लग रहा है देखने में, और इसकी कई सारी फोटोज़ भी मैंने ली है, वीडियो भी बनाए हैं मैंने अच्छे से, तो बहुत प्यारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे अनार लगे हुए हैं, और ये लद्दाख में बहुत बहुत ज़्यादा प्लांट्स मुझे देखने को मिले, इसमें बहुत ज़्यादा लगे हैं, तो बहुत प्यारे लगते हैं ये। गाइस, जब हम जो ऊपर से आपको दिखा रहे थे कि जहाँ पर मैंने बताया कि मॉन्क्स रहते हैं, शायद वहाँ पर पता चला है कि शायद मंदिर है। चलते हैं एक बार, देखते हैं क्या है वहाँ पर। अभी हम यहाँ पर थे, और यहाँ से जब इस मंदिर पे आए, यहाँ पर लोगों से हमने पूछा तो बताया कि अंदर जाओ, मंदिर भी है ये जो आप देख रहे हैं, और उसके साथ साथ एक गुफा भी बनी हुई है। लेकिन हम यहीं गेट के पास पहुँचे तब तक नीचे से एक मॉन्क्स ने हमें आवाज़ दे के वापस कर दिया कि वहाँ पर आप एंटर नहीं करेंगे। हालांकि कुछ लोग हैं भी, काम भी चल रहा है, लेकिन क्या रीज़न है ये आप वही जान सकते हैं। तो गाइस, ऊपर से हम आए और हमें चार मॉन्क्स मिले जो लामाज हैं। फिर लामाज से हमने पूछा कि ऊपर क्यों नहीं जा सकते, उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि और कोई रीज़न नहीं है, रीज़न बस इतना सा है कि वहाँ पर अभी काम चल रहा है, जिसकी वजह से अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वैसे भी जो अधूरी चीज़ें होती हैं वो इतनी खूबसूरत नहीं होती हैं, और आधी जानकारी वैसे भी अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए उन्होंने बताया काम चल रहा है, जब काम पूरा हो जाएगा उसके बाद वहाँ पर एंट्री स्टार्ट होगी।